हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिक्शनरी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टी वाई बैफ का सेमेस्टर 6 का इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जिसमें मैं कवर करने वाला ओनली द प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो आज के क्लास के अंदर वी विल कवरिंग मैक्सिमम जितना अपन कवर कर सकते हैं सारे प्रैक्टिकल लेसन्स। प्रैक्टिकल लेसन्स के प्रैक्टिकल सम्स को भी कवर करने का ट्राई करूंगा, ठीक है क्या? जितना हो सके उतना कवर कर रहा हूँ, बाकी थियोरी पार्ट्स आपको जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन दे रहा हूँ उतना पढ़ने का ट्राई करो, ठीक है? स्टार्ट करेंगे। पहला जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ कस्टम ड्यूटी से स्टार्ट करो। आपका टैक्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक छोटा सा पार्ट है जिसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स है एंड देन द सेकेंड पार्ट इज कस्टम ड्यूटी। अब कस्टम ड्यूटी के अंदर पहला लेसन है कस्टम ड्यूटी क्या होता है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, वो थियोरी पार्ट है। उसका सेकेंड पार्ट चालू होता है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल सम्स मिलने वाले, बट वो करने से पहले ड्यूटीज क्या होता है, किस लिए होता है, कब चार्ज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेंगे और फिर सम की तरफ जाएंगे, ठीक है? तो हम लोग बात करते हैं अगर ड्यूटीज की, तो ड्यूटीज ऑफ कस्टम शाल बी लेविड। जब भी आप कोई गुड्स इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर जो कस्टम अथॉरिटी टैक्स चार्ज करता है उसे टैक्स नहीं कह के क्या कहते हैं, ड्यूटीज कहते हैं। समझ में आया? और वो ड्यूटीज किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, तो एट सच रेट मे बी स्पेसिफाइड अंडर द कस्टम टैरिफ एक्ट ऑफ 1975 ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन द फोर्स। मतलब इसका जो रेट है कस्टम ड्यूटी का जो रेट है वो क्या होगा, जो साल में एप्लीकेबल होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। जो कस्टम टैरिफ एक्ट डिसाइड करता है वही टैक्स रेट, टैक्स नहीं, इसे क्या कहा गया है, ड्यूटीज कहा गया है। टैक्स जैसा ही पर इसे नामकरण क्या दिया गया है, ड्यूटीज। दूसरा दिया है ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट 1962। मतलब क्या समझ में आ रहा है, ड्यूटीज किसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे। कितने रेट पे, जो रेट उधर स्पेसिफाई किया जाएगा वो आपके क्वेश्चन में रेट स्पेसिफाई रहेगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गया, क्लियर यहां तक? आगे बढ़ते द कस्टम टैरिफ एक्ट। टैरिफ मतलब रेट, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल किसके ऊपर बेस्ड है, तो इट इज एनलिस्टेड द गुड्स लायबल फॉर इंपोर्ट ड्यूटी। और सेकंड शेड्यूल किसके ऊपर बेस्ड है, तो इट इज एनलिस्टेड फॉर द गुड्स लायबल फॉर एक्सपोर्ट ड्यूटी। मतलब जो टाइप्स ऑफ ड्यूटी है वो दो टाइप्स में है, एक है इंपोर्ट ड्यूटी और एक है एक्सपोर्ट ड्यूटी। समझा गया, पहला पार्ट क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए देखते आगे क्या दिया, टाइप्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। टाइप्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर इतने इंपोर्ट ड्यूटीज होते हैं, जिसमें पहला है सेक्शन 2 के अंदर बी सी डी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। जब भी आप गुड्स इंपोर्ट करोगे इंडिया में तो आपको क्या पे करना पड़ेगा, बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी। समझ में आया क्या? अब इसका रेट क्या है, जो उस टाइम पे रेट डिसाइड रहेगा वो रेट रहेगा। समझ में आया क्या? रेट ऑफ ड्यूटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, SWS, सोशल वेलफेयर चार्जेस। हमेशा देखो SWS कब चार्ज किया जाता है, जब आप बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करते हो तो उसके ऊपर आपको नया टैक्स, जैसे पहले सेस दिया जाता था, अब सेस के बदले में क्या चार्ज किया जाएगा, SWS। और इसका रेट कितना है, 10%। SWS का रेट कितना है, 10%। जो भी आप कस्टम ड्यूटी पे करोगे उसके ऊपर 10% क्या पे करना पड़ता है, SWS। सम आएगा तो थोड़ा सा आएगा, अभी खाली थियरी पार्ट को थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ताकि आप सम करने के लिए आपके लिए इजी हो जाए। सेकेंड जो है IGST, जब भी आप गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करोगे तो इंडिया में जैसे वो गुड्स आ गया, अब वो कोई भी स्टेट में जाएगा, कोई भी स्टेट से आप इंपोर्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको क्या पे करना पड़ेगा, IGST। समझा? मतलब जब मैंने गुड्स ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में मंगाया, इंडिया में कोई एक स्टेट में मंगाया रहेगा, अब हो सकता है दिल्ली में मंगा लिया, मैंने महाराष्ट्र में मंगाया, मैंने गुजरात में मंगाया, मैंने MP में मंगाया, मैं कोई भी स्टेट में गुड्स इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो जब वो गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है तो बीसीडी के साथ दूसरा कौन सा इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज किया जाता है, इसके ऊपर IGST चार्ज किया जाता है। उसके अलावा क्या चार्ज किया जाता है, GST कंपेंसेशन सेस चार्ज किया जाता है। उसके अलावा प्रोटेक्टिव ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन। मतलब हो सकता है इसके ऊपर प्रोटेक्टिव ड्यूटी भी लग जाए। सेफगार्ड ड्यूटी अगेंस्ट बल्क इंपोर्ट, ज्यादा इंपोर्ट किया तो सेफगार्ड ड्यूटी भी चार्ज किया जाएगा।
उसके अलावा काउंटरवेलिंग ड्यूटीज ऑन सब्सिडीज आर्टिकल, मैक्सिमम ड्यूटीज इक्वल सब्सिडीज ग्रांटेड बाय द फॉरेन। कुछ कुछ गुड्स है जिसके अंदर सब्सिडीज मिलता है, मतलब व्हाट इज सब्सिडीज, सब्सिडी मतलब बेनिफिट्स, आपने इतना पे किया बाद में गवर्नमेंट आपको रिटर्न कर देती है। तो इधर बोला है मैक्सिमम ड्यूटी इज इक्वल टू सब्सिडी ग्रांटेड, जितना आपको ड्यूटी रिटर्न होने वाला है उतना ही आपको क्या पे करना पड़ेगा, ड्यूटी पे करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्ट ड्यूटीज की। जब भी आप गुड्स इम्पोर्ट करते हो तो उसके ऊपर कौन से टैक्सेस लगते हैं, टैक्सेस नहीं कौन से ड्यूटीज लगते हैं, बीसीडी लगता है, IGST लगता है, GST कंपेंसेशन लगता है, प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगता है, सेफगार्ड ड्यूटी लगता है, काउंटरवेलिंग सब्सिडीज लगता है एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी लगता है। समझ में आ गया। अब ये एंटी डंपिंग टॉपिक है, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, बट इतने सारे ड्यूटीज किसके ऊपर चार्ज किए जाते हैं, आपके इम्पोर्ट के ऊपर। इसका मतलब जब भी आप गुड्स इम्पोर्ट करोगे ये सब टैक्सेस आपको ड्यूटीज को ऐड करना है और आपको टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट पता चल जाएगा। तो जो सम आएगा वो टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट का आएगा, तो आपको ये फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया। चलिए बढ़ते आपके टेक्स्ट बुक, मनन प्रकाशन के जो टेक्स्ट बुक है उसके ही मैंने सम्स लिए है, आप उसको रेफर करो तो आपको ये सारे सम्स मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ करेक्शन वगैरह टेक्स्ट बुक के सम्स में रहेगा तो एक बार आप लोग टेक्स्ट बुक देख लेना, आपको मिल जाएगा। और जिनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है उनको ये PDF के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल और सिराशे डीवी चैनल के ऊपर मिल ही जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, सम देखते क्या क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में। द असेसेबल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट इन $10,000 इज 10,000। हमने US से क्या किया जानवी, $10,000 इम्पोर्ट किया है, सामान इम्पोर्ट किया है। द बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना परसेंट चार्ज किया गया है उसके ऊपर, 10%। एक्सचेंज रेट एट द रेलिवेंट डेट वॉज $1 का, आज इंडिया में उसका कीमत कितना चल रहा है, 67। ठीक है, IGST payable कितना percent है, 12%। And education cess and secondary and higher secondary cess, देखो पहले SWS नहीं था, SWS के पहले क्या चलता था, secondary and higher secondary cess चलता था। अब ये किस पे चार्ज करते हैं, जो भी BCD यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी पे करोगे उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। ये पहले था, अभी नया जो आया है उसके अंदर आपको क्या चार्ज करना है, SWS। ये ओल्ड सम है इसलिए इसके अंदर सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस दिया गया है, तो हमको जो दिया हम उतना कैलकुलेट तो करके दिखाएंगे। एंड रिस्पेक्टली द IGST एंड द टोटल कस्टम ड्यूटी विल बी, अपने क्या पूछा गया है, IGST एंड टोटल कस्टम ड्यूटी कितना है ये बताओ। क्लियर, चलिए फिर सॉल्यूशन की तरफ जाते, देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो हेडिंग आ जाएगा कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल। सबसे पहला बेसिक कस्टम ड्यूटी हेडिंग, कितने का गुड्स आपने इंपोर्ट किया है, आपने 10,000 का गुड्स इंपोर्ट किया है, डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 67। तो 10,000 इंटू 67 करोगे कितना आएगा, 6,70,000 का गुड्स मैंने इंपोर्ट किया। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक। प्लस कितना कस्टम ड्यूटी चार्ज किया हमने इसके ऊपर, 10%। तो 6,70,000 का, 6,70,000 का 10% चार्ज किया, जिसे हम कहते हैं BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी। कितना आ गया, 10%, मतलब एक जीरो कम हो जाएगा ना इसका, 67,000 आ गया। प्लस अब हमको इस पे क्या पे करना पड़ेगा, सेस। कौन सा सेस, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी। एजुकेशन सेस कितना है, 2%, और हायर सेकेंडरी कितना है, 1%। तो जो भी तुम्हारा टैक्स है BCD, इसी का 2%, इसी का 1%। समझा आपको, तो हमने 67,000 का 2% कैलकुलेट किया, 1,340। कल के देखो आप, कैलकुलेटर लो, 67,000 लो, उसका 2% कैलकुलेट करो, आपको 1340 आएगा। प्लस इसी का 1% कैलकुलेट करो, तो इसका 1% मतलब 20 कम, 670 आएगा। सबको ऐड कर दोगे तो आपको टोटल कस्टम ड्यूटी मिल जाएगा। कस्टम ड्यूटी में क्या क्या ऐड हुआ, बेसिक कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस, हायर एजुकेशन सेस, सबको ऐड किया, कितने का हो गया, 69,000 तुम्हारा ड्यूटी बन गया। समझाया नहीं, समझाया, ठीक है। अब इस चीज को हमने इधर आउटर कॉलम में डाल दिया और इसके साथ इसको ऐड किया, तो हमारा गुड्स का इंपोर्ट कितने का हो गया, 7,39,010। कैसे, 6,70,000 प्लस 69,010, ऐड करो 7,39,000। हमेशा सीक्वेंस याद रखो, सबसे पहला बेसिक कस्टम ड्यूटी, फिर SWS, उसके बाद IGST चार्ज होगा, GST कंपेंसेशन चार्ज होगा। सर ये क्या बोल रहे, अभी मैंने आपको देखो फॉर्मेट में क्या दिखाया था, ये फॉर्मेट में मैंने क्या दिखाया था, सबसे पहला BCD, फिर IGST, फिर GST कंपेंसेशन, प्रोटेक्टिव टैक्स, सेफगार्ड ड्यूटी, काउंटरवेलिंग, एंटी, ये जो एजुकेशन सेस है उसके बदले में क्या चार्ज होने वाला है, SWS। क्लियर हुआ, तो वही चीज हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था। ठीक है, तो अब 6,70,000 में 69,000 ऐड कर दिया तो
तो हमारा गुड्स का इम्पोर्ट कितने का हो गया, 7,39,000। कैलकुलेटर रखो, फटाफट कैलकुलेट हो जाएगा। अब आईजीएसटी कितना पेबल है, 12% है, तो 7,39,000 10 का 12% कैलकुलेट करो। शायद यहाँ पे कैलकुलेट किया, यस 7,39,000 का 12% कैलकुलेट किया, 88,681.20 आएगा। तो ये मेरा क्या बन गया, आईजीएसटी। क्वेश्चन में क्या पूछा था, आईजीएसटी एंड टोटल कॉस्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी विल बी। तो आईजीएसटी कितना है भाई, 88,000, एंड द टोटल कॉस्ट कितना है, तो 7,39,000 10 के अंदर ये ऐड करोगे तो टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे ऐड नहीं किया, बट आपको अगर बताना टोटल, अगर खाली सिर्फ कस्टम ड्यूटी टोटल पूछा है तो कस्टम ड्यूटी टोटल कितना है, 69,000। टोटल वैल्यू पूछा है तो कितना है, 7,39,000 + 88,000 ऐड करेंगे तो टोटल। समझा, इस टाइप के सम्स ड्यूटीज में आने वाले हैं। ओके है, बढ़ेंगे सेकंड सम की तरफ। देखिए सेकंड सम क्या दिया है, द असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज ₹10,000, बेसिक कस्टम ड्यूटी इज 10%, आईजीएसटी पेबल इज 12%, कंपेंसेशन टैक्स इज 10%, द आईजीएसटी कंपेंसेशन टैक्स एंड द टोटल कस्टम ड्यूटी विल बी कैलकुलेट एज फॉलो। अपने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कस्टम ड्यूटी विल बी। अब आप लॉजिक लगाओ, कितने गुड्स इंपोर्ट किया था मैंने, 10,000। हाँ जी, 10,000 का गुड्स इंपोर्ट किया, कस्टम ड्यूटी कितना पे करूंगा, 10%। उसके अलावा यहाँ पे देखो, आप देख सकते एजुकेशन सेस वगैरह नहीं दिया है, तो इधर नहीं दिया तो अपने को क्या चार्ज करना पड़ेगा, SWS बाय डिफॉल्ट सॉल्व करना है। एजुकेशन सेस बोल दिया रहता तो हम एजुकेशन सॉल्व करते, नहीं तो बाय डिफॉल्ट SWS इज कंपल्सरी। ओके चलिए, तो 10,000 का गुड्स था, 10,000 के गुड्स पे BCD यानी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी, 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000 रुपए। समझाइए, उसके अलावा SWS सोशल वेलफेयर चार्जेस 10%, 10,000 का 10% कितना आएगा, 100। इसका नहीं, ये जो 1,000 है ना, 1,000 का 10% निकालना है। जैसे SWS किस पे चार्ज किया जाता है, BCD पे चार्ज किया जाता है, आपके इंपोर्ट वैल्यू पे नहीं, कॉमन सेंस ये। तो टोटल कस्टम ड्यूटी कितना हो गया, 1,100 रुपए, 1,000 रुपए का टैक्स और 100 रुपए मेरा अभी SWS, 1,100 हो गया। अभी 1,100 मैंने आउटर कॉलम में डाल दिया, तो 10,000 + 1,100 कितना हो गया, 11,100। अरे समझा, अब इसके ऊपर IGST कितना परसेंट बोला है, 12%, तो 11,100 का 12% कैलकुलेट करो, देखो आपको कितना आ रहा है, 11,100 का 12% कैलकुलेट करो, 1,332 आएगा। मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एक सॉल्व करने बैठूंगा अपना लेक्चर कवर अप नहीं होगा, इसलिए मैंने फटाफट PPT रेडी किया, फटफट एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे सकता हूँ, ठीक है। तो अब 11,100 के अंदर अगर मैं टैक्स ऐड करता हूँ, इसमें ऐड करता हूँ, तो आप जरा इसका वैल्यू कर लो, और कुछ टैक्स दिया गया, यस, अरे कंपेंसेशन टैक्स भी दिया हुआ है, तो कंपेंसेशन टैक्स किसका कैलकुलेट होगा, जैसे IGST कैलकुलेट किया मैंने, किसका, 11,100 का, लिखा मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स लेविड अंडर सेक्शन 3 ऑफ, 11,000 का 10% लिया, प्लस कंपेंसेशन टैक्स भी कितना है, 10%, तो 11,100 का 10% कितना आएगा, 1,110। अब हमको क्या करना है, 11,000 के अंदर ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है, टोटल ऐड करोगे तो टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट मिलेगा, 11,100 + 1,332 + 1,110 ऐड करो, कितना आ रहा है, देखो 13,542 आ रहा है। समझ में आया, तो अपने का टोटल लैंड कॉस्ट मतलब टोटल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट कितना है, 13,000। अगर मुझे सिर्फ कस्टम ड्यूटी पूछता सिर्फ, तो मेरा कस्टम ड्यूटी कितना, 1,100। अगर मुझे सिर्फ IGST पूछता तो IGST 1,332 + 1,110 IGST का कंपेंसेशन है ना टैक्स। समझ में आया, तो टैक्स इज टैक्स, ड्यूटी इज ड्यूटी, टैक्स और ड्यूटी में फर्क क्या है, जब वो गुड्स इंडिया में आ गया तो इंडिया में क्या चार्ज किया जाता है, उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा टैक्स, लेकिन जब वो इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है तो हम उसके ऊपर क्या चार्ज करते हैं, ड्यूटी, उसे टैक्स वर्ड यूज नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पे इस लेसन का नाम भी है ड्यूटीज। क्लियर, हाँ डाउट है बोलो। नहीं बेटा, कंपेंसेशन टैक्स का मतलब उसके ऊपर हम लोग कंपेंसेशन टैक्स चार्ज कर रहे हैं, हम कंपेंसेशन नहीं पे कर रहे हैं, हम कंपेंसेशन टैक्स चार्ज कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं क्या दिया, ये सब आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना आपको, चलिए अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द असेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्ट गुड्स इज 20 लाख्स।
बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है 10%, आईजीएसटी लेवी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट कितना है 18% है, जीएसटी कंपनसेशन इज अवेलेबल कितना है 15%, एसडब्ल्यूएस कितना है 10%, कंप्यूट द टोटल कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट कॉस्ट ऑफ द सेम सम है, 20 लाख रुपए का गुड्स इंपोर्ट किया है, कस्टम ड्यूटी कितना पे करने का है 10%, कस्टम ड्यूटी के बाद क्या चार्ज करेंगे एसडब्ल्यूएस चार्ज करेंगे, फिर आईजीएसटी कितना परसेंट है 18%, कंपनसेशन चार्ज कितना है 15%, बेसिक दिमाग में बैठ गया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सम। असेसेबल वैल्यू, हमारे गुड्स का असेसेबल वैल्यू कितना था 20 लाख, इसके बाद कस्टम ड्यूटी कितना आएगा 10%, 20 लाख का 10% 10 कम 2 लाख आएगा, एसडब्ल्यूएस 2 लाख का कितना 10% कितना आएगा 20,000, तो 20 लाख प्लस 2 लाख 22 लाख, 22 लाख 20,000 मेरा क्या हो गया टोटल वैल्यू, इसे कहते हैं टोटल वैल्यू ऑफ लेवी फॉर आईजीएसटी। अब आईजीएसटी इसी के ऊपर चार्ज किया जाएगा कितना 18%, तो 22 लाख 20,000 का 18% फटफट कैलकुलेट करो देखो आ रहा है क्या 3,99,600 आएगा, 22 लाख 20,000 इंटू 18% आ गया ठीक है। उसके अलावा सेस कंपेंसेशन सेस कितना है 15% है, किसका कैलकुलेट होगा 22 लाख 20,000 का, तो 22 लाख 20,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट करो 15% देखो 3,30,000 आ रहा है क्या, हाँ जी 3,30,000 आ गया क्लियर है। अब मुझे टोटल वैल्यू लैंड कॉस्ट निकालना, तो कैसे 22 लाख 20,000 में ये दोनों को ऐड करो देखो 29,52,600 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा टोटल कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कितना पे किया भाई 1+2+3+4, व्हाट इज 1+2+3+4, तो ये है तुम्हारा 2,20,000, 3,99,600, 3,33,000, सबको प्लस करके चेक करो देखो आपको 9,52,600 आ जाएगा, समझ में आ गया 2,20,000, 3,99,600, 3,33,000 प्लस करके चेक कर लो देखो कितना आ रहा है 9,52,600 आ गया। सीधी बात है 20 लाख का था बाकी सब तो मेरा टैक्स ही था ना, टैक्स था मतलब ड्यूटी था मेरे लिए, समझ में आ गया पक्का, इस टाइप के सम्स में कॉन्फिडेंस है अभी टाइप्स ऑफ ड्यूटी के सम्स में। चलिए देखते हैं और कुछ नया आ रहा है क्या, अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्ट ड्यूटीज में कितने टाइप होते हैं 2, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये इम्पोर्ट का कंडीशन समझ में आ गया आपको, बीसीडी एसडब्ल्यूएस लेना है, फिर जीएसटी लेना है, आईजीएसटी, फिर कंपेंसेशन, ये सब चीजों को ऐड करो टोटल वैल्यू निकाल लो पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, द असेसेबल वैल्यू ऑफ द इम्पोर्ट गुड्स इज 10 लाख, बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, आईजीएसटी अंडर सेक्शन इज 12%, कंपेंसेशन सेस इज 15%, एसडब्ल्यूएस 10%, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ड्यूटी इम्पोर्ट सेम सम है, खाली दे दिया इफ इम्पोर्ट्स आर मेड ऑन और आफ्टर 2nd of February 2018। चलिए देखते हैं ये डेट का क्या मसला है यहाँ। सबसे पहला कितने का गुड्स है 10 लाख, कस्टम ड्यूटी कितना है 10%, 10 लाख का 10% मतलब 1 लाख आएगा, एसडब्ल्यूएस 1 लाख का 10% कितना आएगा 10,000, मतलब 1,10,000 प्लस 10 लाख मतलब 11,10,000 हो गया, जिसे 22 लाख था यहाँ पे उसका आधा ही दिख रहा है मेरे को ये। कितना परसेंट आईजीएसटी है 12%, किसका कैलकुलेट करेंगे 11,10,000 का 12% कैलकुलेट करो देखो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके चेक करो कितना आ रहा है 11,10,000 का 12% कैलकुलेट करो यही आएगा आपको आ गया, प्लस कंपेंसेशन कितना परसेंट है 15% है, तो 11,10,000 का 15% कैलकुलेट करो सेम टू सेम। अब टोटल ऐड करेंगे तो लैंड कॉस्ट आ जाएगा मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट गुड्स, और खाली कस्टम ड्यूटी पूछा है तो 1, 2, 3, 4 बराबर है सेम चीज है और कुछ नया तो नहीं किया। तो सर वो डेट का क्या हुआ, ये मेरे प्रीवियस ईयर में काउंट होता है क्या, शायद 2018 लिखा है बट आपका प्रीवियस ईयर आपको दिखाया जाएगा वहाँ पे, और आपका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा असेसमेंट ईयर आपका 22-23 का, तो आपका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा 21-22, तो वो अगर प्रीवियस ईयर के अंदर है तो काउंट किया जाता है, वो शायद पुराना टेक्स्ट बुक में 2018 का है इसलिए चेंज नहीं किया गया है ठीक है ओके। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, देखते हैं उसके बाद क्या दिया है, व्हाट यस वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान देना, What are the ways that would constitute circumvention of anti-dumping duty import on an article that may warrant action by the central government based on the inquiry as it may be considered necessary for the purpose of, अभी इसके अंदर शायद क्वेश्चन है क्या, एक बार चेक करो ना मेरे को कुछ डाउट था, क्या है इसका क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक देंगे मेरे को खाली, यही है इसका इतना ही क्वेश्चन दिया है क्या, कौन सा क्वेश्चन है ये थर्ड वाला, मतलब ये शायद ऊपर वाले के क्वेश्चन का दिया है क्या, मेरे को इसमें गड़बड़ लग रहा था, इसका क्वेश्चन नहीं दिख रहा था मेरे को, कोई नहीं चलो जैसा दिया है वैसे मैं लिखवा के देता हूँ।
अब पहली बात वो एंटी डंपिंग मीन क्या है ना, वो आगे के इसमें एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। खरीदार है, लैंडेड प्राइस हमने अज्यूम किया कि वो हमने जो प्री अज्यूम किया था लैंडेड प्राइस इज एक्सक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी। कितना? 25 लाख का गुड्स इंपोर्ट किया एक्सक्लूसिवली ऑफ कस्टम ड्यूटी, मतलब बिना कस्टम ड्यूटी के, और अपने को विदाउट कस्टम ड्यूटी का वैल्यू मालूम होना चाहिए। 25 लाख का है, कस्टम ड्यूटी का चार्ज कितना होता है? 10%। तो बीसीडी विल बी 10%, 25 लाख का 10% कैलकुलेट किया कितना है? 2.5 लाख रुपया है। उसके बाद एसडब्ल्यूएस कितना है? तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 30%। अच्छा सॉरी, सेफगार्ड ड्यूटी कितना दिया है? 30%। एसडब्ल्यूएस कितना है? 10%। तो 25 लाख का 10% कितना? 25 हजार, सॉरी 2.5 लाख का 10% एसडब्ल्यूएस कितना? उसके अलावा इसके अंदर हमने क्या ऐड किया है? सेफगार्ड ड्यूटी एट द रेट 30% ऑन 25 लाख। अब ये 25 लाख के ऊपर का गुड्स था तो हमने यहाँ पे सेफगार्ड ड्यूटी ऐड किया। अगर आपको ध्यान में होगा तो सेफगार्ड ड्यूटी अगर लार्ज इंपोर्ट होता है ना तो उसको बचाने के लिए हम लोग क्या पे करते हैं? सेफगार्ड ड्यूटी पे करते हैं। पिछला सम में देखा तो 20 लाख था, उधर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं था, बट इधर कितने का इंपोर्ट किया गया? 25 लाख का। तो मतलब अबाउट 25 लाख का अगर आपका इंपोर्ट होता है या 25 लाख, तो आपको क्या ऐड किया गया यहाँ पे? सेफगार्ड ड्यूटी। कितना? 30%। समझ में आ गया? तो 30% हमने किसका कैलकुलेट किया? 25 लाख का। तो 25 लाख का 30% कितना है? 7.5 लाख रुपए। ठीक है, तो अब टोटल कितना हो गया? तो 2.5 लाख प्लस 7.5 लाख प्लस 25, मतलब 10, 35, 35 लाख, 25,000 हो गया। कैसे? ये 10 लाख हो गया ना, 2.5 लाख और 7.5 लाख कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख 25 हजार और ऊपर 25, तो 10 और 25 कितना हो गया? 35 लाख, 25,000। मैंने टोटल इतने का गुड्स इंपोर्ट किया। आईजीएसटी इसके ऊपर कितना चार्ज करने का है? 12%। तो हमने इसका कितना परसेंट चार्ज किया है? 35 लाख, 25,000 का 12%। सही, इसमें लिखा नहीं, क्वेश्चन मिसिंग है यहाँ पे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन रहेगा कि 25 लाख का गुड्स इंपोर्ट किया गया तो आपको याद करना है कि इस पे 30% क्या पे करने का? एसडब्ल्यूएस। 12% कैलकुलेट किया, 4,23,000। कोई कंपेंसेशन सेस वगैरह नहीं था, हमने 35 लाख में ऐड कर लो तो ये आपको टोटल टैक्स आ जाएगा। क्लियर है? और ये सेफगार्ड ड्यूटी का परसेंटेज कितना है? 30% है। क्लियर है क्या? ओके, कहाँ गया सम? ये था कि नहीं, इसके बाद वाला था ना, ये वाला सम था ना आपका, 30%। ठीक है प्रशांत, क्लियर है क्या? गुड मॉर्निंग, समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको क्लियर है? हाँ जी, चलिए डन। यहाँ तक क्लियर हुआ सम? चलिए, तो ये 14 लाख 48,000 कैसे आया? तो सब टैक्स ऐड किया, 10 लाख, 25 और 4,23,000 सबको ऐड किया, 14 लाख दिखाया। 25 लाख उसके अंदर ऐड नहीं किया मैंने। इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस ये है कि इधर क्वेश्चन नहीं दिया है, खाली इसका सॉल्यूशन आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। ठीक है क्या? एक नोट दिया गया है, जरा ध्यान देना। वाइल कैलकुलेटिंग एस डब्ल्यू एस सेफगार्ड ड्यूटी इज एक्सक्लूडेड। हमेशा याद रखो कि एस डब्ल्यू एस सेफगार्ड ड्यूटी के अंदर, सेफगार्ड ड्यूटी जब भी कैलकुलेट कर रहे हो, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी। उसके अंदर ये जो सेफगार्ड ड्यूटी है उसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया गया है। पॉइंट टू रिमेंबर, वाइल कैलकुलेटिंग एस डब्ल्यू एस सेफगार्ड ड्यूटी इज एक्सक्लूडेड। सेकेंड, IGST tax is levied on the sum total for the assessable value, वो तो अपने को मालूम ही था। फिर कस्टम ड्यूटी एंड एप्लीकेशन ऑफ SES, व्हाट इज SEF? स्पेशल इकोनॉमी जोन के लिए है वो, या तो आप बोल सकते हो कि जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो कितने का है वह? 25 प्लस 2.5 प्लस 2.5 प्लस ये, मतलब ये जो अपने टैक्स कैलकुलेट किया उसी के बारे में उसने एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। ये कौन सा सम है? डोंट नो, बट देख लेना आप लोग। Compute the duty payable under Custom Act 1962 of an imported equipment based on the following information. Assessable value of import दिया गया है। हाँ, important समय जरा ध्यान देना। Assessable value of import क्या दिया है equipment का? 10,000। Date of bill entry दिया 21 April 2018। Custom duty का at this date कितना है? 20%। Exchange rate notified by Central Board of Excise। Custom rate का rate कितना था? 65। फिर आगे दिया है डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, 21 को ही हुआ है एंट्री और 16% था। एक्सचेंज रेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल एंड यूएस डॉलर कितना चल रहा था? 50। आईजीएसटी कितना है? 15%। जीएसटी कंपेंसेशन इधर है नहीं। सोशल वेलफेयर चार्जेस एसडब्ल्यूएस दिया 10%।
मेक द सुटेबल अजम्पशन वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड शो द रिलेवेंट वर्किंग राउंड ऑफ योर आंसर टू द नियरेस्ट रूपीज। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे ना दो डेट्स दिए गए, एक है डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री और दूसरा है डेट ऑफ एंट्री ऑफ इनवॉइस। बट दोनों का डेट सेम ही दिख रहा है मेरे को, बट दोनों में एक फर्क है डॉलर का। इधर का डॉलर रेट क्या है, इधर क्या है 65। अब सेम डेट पे डॉलर का रेट तो अलग अलग हो नहीं सकता है, मतलब इधर भी एक कोई करेक्शन रहेगा ही। अब टेक्स्ट बुक के अंदर भी सेम दिया तो टेक्स्ट बुक से टाइप हुआ, मतलब इधर मैंने कुछ करेक्शन किया नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट इधर डॉलर का रेट अलग अलग होगा ही। ओके, क्योंकि दोनों में डेट सेम दिख रहा है तो डॉलर का रेट सेम होता ही है, कॉमन सी बात है। बट इधर उसने डॉलर का रेट अलग अलग दिखाया है सेम डेट पे। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस सब में, वो बता रहा हूँ मैं आपको। जब भी आपको बिल ऑफ एंट्री एंट्री ऑफ इनवॉइस दिख रहा है तो इस डेट के अंदर जिस दिन आपके पास गुड्स आएगा और उसके ऊपर जो बिल पे एंट्री होगा ना, वो डेट को ही कंसिडर किया जाएगा और उसी तारीख के ऊपर आपका टैक्स चार्ज किया जाएगा, मतलब ड्यूटी। जैसे इस केस में डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री 21 अप्रैल 2018 को है, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना परसेंट है 20% है और डॉलर का रेट कितना है 65। इसी दिन पे कस्टम ड्यूटी कितना चल रहा है 16%, डॉलर का रेट कितना चल रहा है 50, बराबर है। चलिए देखते हमारा असेसेबल वैल्यू कितना है। असेसेबल वैल्यू है $10,100 और डॉलर का रेट कितना है 65। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री क्या है 65। तो इस केस में मैं कैलकुलेट अगर करूंगा, एक मिनट बाबा, हाँ जी अब आ जाओ आप ही की जरूरत है। चलिए देख लो, मैंने $10,100 इंपोर्ट किया, डॉलर का रेट क्या चल रहा है 65। सर 50 भी तो चल रहा है, मतलब 50 कंसीडर नहीं करेंगे, तो आप जरा कैलकुलेट करो 10,100 × 65 कितना आ रहा है, 6,56,000। ये आ गया आपका वैल्यू, समझ में आया। कस्टम ड्यूटी कितना चार्ज किया जाएगा इस तारीख पे, कितना है 20% है, तो भाई कस्टम ड्यूटी कितना चार्ज किया जाएगा 20%। समझ में आया क्या सर? अब तक तो 10% कर रहे थे, बोला था 10 तो 10 किया, इधर कस्टम ड्यूटी ने 20% चार्ज किया, किसका, इसी का 20% कैलकुलेट करो, देखो आपको ये अमाउंट आ जाएगा, क्लियर है। फिर SWS चार्ज किया जाएगा, किसका, इसी का 10% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इन सबको जब मैं ऐड करूंगा, इसको 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 सबको ऐड करूंगा तो मुझे टोटल वैल्यू मिल जाएगा, और इसी के ऊपर हम लोग क्या चार्ज करेंगे IGST। हाँ जी, तो 8,930 पे कितना परसेंट IGST चार्ज किया जाएगा, 15%। तो 8,930 के ऊपर 15% कैलकुलेट कर लो और राउंड ऑफ करने के लिए बोला उसे, हम लोग राउंड ऑफ भी कर देंगे। 8,930 पे कितना आ रहा है 2,64,569.5, इसको लोगों ने राउंड ऑफ कर दिया और कितना लिया 2,64,570.69.5 है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल कस्टम ड्यूटी की बात करूंगा तो कितना आएगा, कस्टम ड्यूटी ये प्लस ये कर दोगे तो टोटल कस्टम ड्यूटी आ जाएगा, क्लियर हुआ सम, पक्का समझा, हाँ या नहीं, कुछ डाउट है इसमें, हाँ या नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं नेक्स्ट, अब एक्सपोर्ट की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तक इंपोर्ट था, अब मैंने बात किया इंपोर्ट बाय 100% EOU, व्हाट इज EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन या तो यूनिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बोल दो या एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ठीक है क्या, मतलब इस बंदे का, इस बिजनेस का स्पेशल काम के हवाले में क्या, ये लोग जब भी गुड्स इंपोर्ट करेंगे ना तो क्या करेंगे, इंपोर्ट कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहे, इंपोर्ट इसलिए कर रहे कि सामान लाएंगे हम इंडिया में बनाएंगे और फिर वापस बाहर भेज देंगे, मतलब उसका काम है सिर्फ कि बाहर से इंपोर्ट करना, इधर थोड़ा उसको मैन्युफैक्चर प्रोसेस करना एंड देन उसको वापस से रिटर्न कर देना, समझ में आया। इसलिए इसका नाम भी लिखा गया है इंपोर्ट्स बाय 100% EOU, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, मतलब एक ऐसा कंपनी है जो क्या कर रही है, गुड्स इंपोर्ट कर रही है, कुछ कारनामा उसके पर करेगी और फिर उसको एक्सपोर्ट करेगी, इंडिया में बेची बेचेगी नहीं, 100% EOU और यूनिट इन अ स्पेशल इकोनॉमी जोन,
व्हाट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसमें गवर्नमेंट ने उसको स्पेशली ऐसा ट्रीटमेंट देके रखा कि भाई भाई इधर बहुत पॉपुलेशन कम है तो ये लोग इम्पोर्ट कर रहे, तो इनके ऊपर अपने को थोड़ा सा रिलीफ रखना है, इनके ऊपर कस्टम ड्यूटी कम चार्ज करना है। समझ में आया? तो अभी हम बात किस चीज की कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ड्यूटी के अंदर इम्पोर्ट बाय 100% ऑफ ईओयू क्या दिया गया है, सेफगार्ड ड्यूटी शाल नॉट अप्लाई टू द आर्टिकल इम्पोर्टेड बाय 100% ईओयू यूनिट इन अ एसईजेड अनलेस स्पेसिफाइड मेड बाय द एप्लीकेबल। मतलब अगर आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो एक्सपोर्ट करने के लिए तो एसडब्ल्यूएस नहीं आएगा। जैसे कि अभी तक हम जितने सम्स कर रहे थे उसके अंदर क्या हो रहा था, हर बेसिक ड्यूटी के बाद एसडब्ल्यूएस था ना, कंपलसरी एसडब्ल्यूएस। बट इसने क्या बोल दिया, अगर कोई भी आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो बाय ईओयू यूनिट या तो फिर एसईजेड यूनिट के लिए तो आपके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है अनलेस स्पेसिफिकली मेड एप्लीकेबल। और अनलेस मतलब भाई मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, मैंने काम किया, थोड़ा अपने पास रखा, फिर एक्सपोर्ट किया, तो गवर्नमेंट थोड़ा ले रहा है, तू चल टैक्स भर, सेफगार्ड ड्यूटी भरना पड़ेगा। मतलब वो गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा, मतलब क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा आपके लिए, गवर्नमेंट मतलब कौन है, क्वेश्चन। समझा आपको? चलिए सेकेंड दिया है, द आर्टिकल इंपोर्टेड इज आइदर क्लियर एज सच इन टू डीटीए। वॉट इज डीटीए, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। डीटीए मतलब डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट, और यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी गुड्स दैट आर क्लियर इन टू। सर शू बोलो छो तमें, परत एकदा ऐको, मैं ये बोल रहा हूं, मैंने ये कहा कि अगर मैंने गुड्स इंपोर्ट किया है और इसको मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं आएगा, अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट बोलता है नहीं भाई इसके पास सेफगार्ड ड्यूटी चाहिए चाहिए चाहिए, या तो फिर आर्टिकल इंपोर्ट किया गया है आइदरली क्लियर एज स्पेसिफाइड इनटू डीटीए। व्हाट इज डीटीए, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। मतलब मैं बाहर के कंट्री में भी उसके ऊपर टैक्स भर रहा हूँ, इधर भी टैक्स भर रहा हूँ, भाई डबल डबल टैक्स आ रहा है मुझे, तो हमारा उस कंट्री के साथ डबल टैक्स एग्रीमेंट हो चुका है। अब जब मेरे साथ उसका डबल टैक्स एग्रीमेंट हुआ है तो क्या मेरे को सेफगार्ड ड्यूटी पे करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं पड़ेगी। समझ में आया क्या? मतलब अगर मेरा डबल टैक्स एग्रीमेंट हुआ है तो मैं उसके ऊपर टैक्स नहीं भरूंगा, लेकिन नहीं हुआ है तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एसडब्ल्यूएस आएगा। और यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी गुड्स दैट आर क्लियर इन टू, या तो मैंने उसको गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए यूज किया गया तो भी मेरे को एसडब्ल्यूएस नहीं पे करने वाला। नेक्स्ट पार्ट है, डीटीए एंड सच केसेस सेफगार्ड ड्यूटी शैल बी लेविड ऑन द पोर्शन ऑफ द आर्टिकल सो क्लियर और यूज्ड एज वॉज लेविड वेन इट वॉज इम्पोर्टेड इन टू इंडिया। मतलब अगर उसका कुछ भी पार्ट मैंने यूज कर लिया है तो एस डब्ल्यू एस देना पड़ेगा, और कुछ भी यूज नहीं किया, खाली एक्सपोर्ट करने के लिए लिखा है तो उसके बाद एस डब्ल्यू एस पे करने की जरूरत नहीं। सिंपल स्वीट भाषा ये है, अगर आप गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हो और उसको इंडिया में बेच रहे हो, यूज कर रहे हो, सेफगार्ड ड्यूटी आएगा, नहीं यूज कर रहे हो, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं आएगा। समझा? आपने गुड्स इम्पोर्ट किया और उसको बाद में एक्सपोर्ट करने वाले, अगर आप एक्सपोर्ट करने वाले मतलब इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी नहीं आने वाला है, कस्टम ड्यूटी नहीं, एस डब्ल्यू एस नहीं आने। बात समझ में आ गया क्या? पक्का क्लियर 100%। चलिए बढ़ते एक सम की तरफ, देखते वेरी इंपॉर्टेंट सम, ये इंपॉर्टेंट है सम, ध्यान देना। डिटरमाइन द सेफगार्ड ड्यूटी, क्या फाइंड करने का है, सेफगार्ड ड्यूटी। अभी मैंने आपको बताया था सेफगार्ड ड्यूटी किसके ऊपर चार्ज किया जाता है, अगर आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो और एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी आएगा क्या, नहीं। लेकिन आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो, यूज कर रहे हो तो उसके ऊपर क्या भरना पड़ेगा, सेफगार्ड ड्यूटी पे करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या है। सेफगार्ड ड्यूटी के बारे में अभी बताया था, 30% आपने किया था पिछले सम में, 25 लाख के ऊपर वाला सम। हाँ जी, अब एक्चुअल में 25 लाख का कोट नहीं होता है, टोटल अगर 3% से ज्यादा होता है तो आपको टैक्स भरना पड़ता है, सेफगार्ड ड्यूटी पे करना पड़ता है, वो चीज मैं इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, जेड एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज। एक बार खाली चेक करना, इधर भी डेवलपिंग कंट्रीज है क्या, इधर लास्ट वाले में डेवलप कंट्री है ना, बाकी सब डेवलपिंग 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 कंट्रीज है। वेरी गुड, मेरे को लग रहा था इधर कुछ करेक्शन रहेगा। तो ये आपका डेवलप्ड कंट्री, बाकी सब आपके लिए डेवलपिंग कंट्रीज है। इन सबको ऐड करो, टोटल आपने कितने का इंपोर्ट किया है, 5000 करोड़ का टोटल इंपोर्ट कितने का हुआ है, 5000 करोड़ का। क्वेश्चन पूछा गया है, डिटरमाइन द सेफगार्ड ड्यूटी पेबल बाय ए बी सी डी अंडर सेक्शन 8B ऑफ कस्टम टेरिफ एक्ट 1975। The following imports of a sodium nitrate from developing and developed country from 26 March 2017 to 25th March 2018। ये तो कोई प्रीवियस ईयर है, ये नहीं है एक्चुअल में, आपको यहाँ पे 2021-22 आ जाएगा
बोथ डेज आर इंक्लूसिव आर एज फॉलो। आप देख सकते हो अलग अलग चीजें आपको दी गई है, मुझे खाली डिसाइड करना है कौन से कंट्रीज के, मतलब ए बी सी को किसमें से सेफगार्ड ड्यूटी पे करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में क्या है, किसको सेफगार्ड ड्यूटी पे करना है। चलिए देखते हैं किसको सेफगार्ड ड्यूटी पे करना पड़ेगा। नोट, सेफगार्ड ड्यूटी कितना है नहीं बोला रहता तो भी मैंने आपको बता दिया था। चलिए स्टार्ट करता हूं, कुछ लिखा है मैंने सम सॉल्व करने से पहले। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8B ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, इन केस आर्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री, दैट इज कंट्री नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ सच ड्यूटी, दिस ड्यूटी कैन नॉट बी इम्पोज अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। वन, इफ द इम्पोर्ट ऑफ सच आर्टिकल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री डज नॉट एक्सीड 3% ऑफ टोटल इम्पोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने अलग अलग कंट्री से इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट किया, इम्पोर्ट किया, मेरा टोटल इम्पोर्ट 5,000 करोड़ का है, बट मैंने ए कंट्री से जो इम्पोर्ट किया है या बी कंट्री से जो मैंने इम्पोर्ट किया या सी कंट्री से जो मैंने इम्पोर्ट किया, किधर से भी इम्पोर्ट किया है, डेवलपिंग कंट्री से अगर मैंने इम्पोर्ट किया है और वो इम्पोर्ट का वैल्यू 3% से कम है तो सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन 3% से ज्यादा है तो सेफगार्ड ड्यूटी पे करना पड़ेगा। क्या समझा, वापस पॉइंट बोला है, इफ इम्पोर्ट ऑफ सच आर्टिकल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री डज नॉट एक्सीड 3% ऑफ द टोटल इम्पोर्ट ऑफ दैट आर्टिकल इन टू इंडिया। पहले लाइन पे दिया है द ड्यूटी कैन नॉट बी इम्पोज अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, मतलब सेफगार्ड ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी मैंने गुड्स इम्पोर्ट किया डेवलपिंग कंट्री से वो 3% से कम इम्पोर्ट है। समझा? सेकेंड पॉइंट, वेयर द आर्टिकल इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोर देन वन, अगर आपका आर्टिकल एक से ज्यादा, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री, चार चार अलग अलग डिफरेंट कंट्री से गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो और सब डेवलपिंग कंट्रीज है, तो आपको चारों कंट्री का टोटल लेना है और आपका डेवलपिंग कंट्री का टोटल क्या बोला, ईच विथ लेस देन थ्री, ईच सब 3% से कम होना चाहिए, एंड द एग्रीगेट इंपोर्ट ऑफ सच कंट्रीज टेकन टूगेदर डज नॉट एग्जीड 9%। एग्रीगेट कितना होना चाहिए, अगर एग्रीगेट 9% के ऊपर हो गया तो सेफगार्ड ड्यूटी सब पे भरना पड़ेगा और हर कंट्री का 3% से कम होना चाहिए और 9 टोटल कम होना चाहिए। सर क्या बोल रहे हो, आपका भाषा नहीं समझ में, चलो सम पे आ जाते हैं, मेरा भाषा नहीं समझा, ये भाषा तो समझा देता हूँ। ए बी सी डी अदर टोटल दिया 5,000, अगर मेरा वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, देख लो मैंने टोटल कितने का गुड्स इंपोर्ट किया है, 5,000 का इंपोर्ट किया है, इस कंट्री से कितने का किया है 140, अगर 5,000 100% इंपोर्ट है मेरा, 100% रहा तो 140 कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा देखो कितना आ रहा है, 2.8। उसने कहा है सेफगार्ड ड्यूटी कब एप्लीकेबल होगा, सेफगार्ड ड्यूटी तब एप्लीकेबल होगा जब आपका डेवलपिंग कंट्री से 3% से ज्यादा होगा, एक्सीड 3%। तो क्या इसने जो इंपोर्ट किया वो 3% से ज्यादा है, नहीं, ये तो 2.8% है, तो क्या इस कंट्री में मुझे सेफगार्ड ड्यूटी पे करना पड़ेगा, नहीं। इधर आता हूं, कितना है 164, तो सेम 164 कितना परसेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई 3.28, भाई इसको सेफगार्ड ड्यूटी पे करना पड़ेगा, 3% से ज्यादा चला गया है, समझ में आ गया। 104 कितना परसेंट है, 208, 102% है, बात समझ में आ। अब ये डेवलपिंग नहीं, यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप कंट्री इज डिफरेंट, डेवलप कंट्री के बारे में अलग से डिस्कशन होगा, डेवलपिंग का समझ में आ गया। हाँ जी, अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड पॉइंट पे जाऊंगा। अब सेकेंड पॉइंट देख सकते हो, 1, 2, 3, 4, चार कंट्रीज है ना, तो मुझे देखना है कि चारों कंट्री का टोटल कितना हो रहा है, 2 + 2 + 2 कितना हुआ, 6.88। इस पे तो सेफगार्ड ड्यूटी आ ही गया ना, तो इसको तो मैं काउंट नहीं करने वाला, लेकिन अगर मैं अलग अलग कंट्री से डेवलपिंग कंट्री से गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूं तो मेरा एग्रीगेट 3% से कम और 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2.8, 2.082 ऐड करोगे तो 6.88 आएगा, तो क्या 9% से कम है, हाँ जी 9% से कम है, मतलब ओवरऑल भी मुझे किसी के ऊपर सबसे ये SWS पे करने की जरूरत नहीं है। समझा, बाजू में किया मेरे साथ, देखो इसके ऊपर क्या मुझे इसके ऊपर SWS पे करने का, क्या SWS सेफगार्ड ड्यूटी पे करने का, क्या नहीं,
30% इज निल, बट इसके ऊपर 30% इज एप्लीकेबल। तो 164 का 30% कैलकुलेट करो, कितना ड्यूटी पे करना पड़ेगा? 49.2। इसके ऊपर पे करने की जरूरत है क्या? इस पे करने की जरूरत है क्या? समझ में आएगा? क्लियर है? पक्का क्लियर? हाँ जी। यहां पे आते हैं, आर्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्रीज ईच विथ लेस देन 3% इंपोर्ट शेयर, देन द एग्रीगेट, देखो यहाँ पे लिखा है 6.88 है ना, फिर आर्टिकल इन टू इंडिया, देयर फॉर द सेफगार्ड ड्यूटी इज नॉट एप्लीकेबल टू ए सी एंड जेड लिमिटेड। हमने देखा ए को, सी को और जेड को एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हुआ? पक्का समझा? सेफगार्ड ड्यूटी क्या, क्यों और कब चार्ज किया जाता है, कितना परसेंट पे चार्ज किया जाता है? क्लियर हो गया? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। क्या पूछा गया है? क्या पूछा गया है? डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी पेबल अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 इंक्लूडिंग द सेफगार्ड ड्यूटी ऑफ 25%। यहाँ पे सेफगार्ड ड्यूटी कितना परसेंट बोला गया है? 25%। अंडर 8B ऑफ द सेड एक्ट विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, आप देख सकते हो थ्री डेवलपिंग कंट्री से हमने 25 लाख का इम्पोर्ट किया गया है। शेयर ऑफ इम्पोर्ट फॉर फाइबर ग्रेन्यूल फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज टेक टूगेदर अगेंस्ट टोटल इम्पोर्ट ऑफ द फाइबर इज 10%। भाई मतलब 9% से ज्यादा हो गया ना, तो इसको सेफगार्ड ड्यूटी तो भरना ही पड़ेगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना परसेंट है? 10% है। IGST कितना है? 12% है। सोशल वेलफेयर चार्जेस कितना है? 10% है। क्लियर है? चलिए देखते हैं सम का सॉल्यूशन। हमने 25 लाख का गुड्स इंपोर्ट किया था। हाँ क्वेश्चन देख लो, 25 लाख का गुड्स है और जो भी मैंने इंपोर्ट किया वो 10% है, थ्री कंट्रीज है, तो कितना होना चाहिए? ईच कंट्री का लेस देन 3 और 9 से कम होना चाहिए, बट इधर कितना परसेंट आ गया? 10% आ गया। मतलब ये जब आ गया तो SWS इसको पे करना ही पड़ेगा, सेफगार्ड ड्यूटी इसको पे करना पड़ेगा। हाँ समझ तो रहा है कि नहीं, क्या मालूम। 25 लाख का मैंने गुड्स इंपोर्ट किया, बराबर है। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना परसेंट बोला है? 10%। 25 लाख का 10%, अरे यस। उसके अलावा सोशल वेलफेयर चार्जेस कितना परसेंट? 10%, वो हो गया। प्लस सेफगार्ड ड्यूटी कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा? 25%, क्वेश्चन में दिया था। किसका? तो 25% किस चीज का? 25 लाख का ना, तो 25 लाख का 25% कितना है? 6,25,000। क्लियर हुआ? सबको ऐड करोगे तो आपको टोटल वैल्यू मिल जाएगा जिसके ऊपर IGST चार्ज करूंगा मैं। IGST कितना परसेंट बोला है? 12% शायद, यस 12%। तो 34 लाख का 12% चार्ज कर दिया मैंने, 4,08,000। अब इसी को ऐड करूंगा तो 38,08,000 टोटल लैंड गेट क्रॉस है, तो इंपोर्टेड वैल्यू हो गया। और खाली ड्यूटी पूछा है तो कितना आ जाएगा? ये सबको ऐड कर दो, 13,08,000, 2,25,000, 25,000, 6,25,000 और 3 लाख किधर? 4,08,000। इसको ऐड करके देखो 13,08,000 आ जाएगा। समझाइए आपको, क्या डाउट है? क्या डाउट है? क्लियर हो गया? अरे क्या बात है, आज एक खत्म भी हो गया, मतलब टॉपिक में मैक्सिमम चीजें अपन ने कवर कर ली है। समझ में आ गया क्या? हाँ जी पक्का। तो इस टाइप के सम्स को आप ट्राई करो कवर अप करने का। तो इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। मैंने मैक्सिमम जितना कवर करना चाहिए था उतना मैंने इस टॉपिक के अंदर कवर कर लिया, ठीक है क्या? अब आगे की क्लास के अंदर हम लोग इसके आगे के लेसन्स को भी कवर करेंगे। आज के लिए इतना। अपनी वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स रूप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।